इस वीडियो के जरिए आज हम शेयर करेंगे एक बहुत ही अच्छा इफेक्टिव फेस पैक जो कि आपकी फेस से डार्क स्पॉट को रिमूव करेगा। अगर आपकी फेस पर मतलब सनबर्न सनटैन है उसको रिमूव करेगा, ये आपकी डैमेज स्किन को रिपेयर करेगा। साथ ही अगर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा इवन ड्राई है तो ड्राई स्किन को एक मॉइस्चराइज करके एकदम सॉफ्ट स्मूथ बनाएगा। तो फिर गाइस देर किस वक्त के लिए हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम शर्मिन सुल्ताना, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ यू न्यू टू माय यूट्यूब चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टू द रेड बटन बिलो। सो गाइस इस वीडियो के जरिए आज हम शेयर करने वाले हैं राइस फेस पैक जो कि फेस के लिए बहुत ही ज्यादा यू नो बेनिफिशियल है। एंड आप लोग कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा कि जो राइस है वो स्किन के लिए मतलब कितना ज्यादा फायदेमंद है, तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ राइस फेस पैक जो कि आपकी स्किन को इंस्टेंटली लाइक वन एप्लीकेशन में आपकी स्किन को एकदम रेडियंट बनाएगा। आपकी स्किन पर अगर डार्क स्पॉट है उसको एकदम लाइटन कर देगा। साथ ही अगर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा डैमेज है तो डैमेज स्किन को भी ये रिपेयर करेगा। तो फिर गाइस चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं इस फेस पैक को किस तरीके से बनानी है उसके बारे में। सो गाइस इस फेस पैक को बनाने के लिए हमें चाहिए 2-3 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस। देन गाइस आप हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑफ हनी। आप किसी भी ब्रांड का हनी यूज कर सकते हो, जो भी आपको मतलब सूट करे वो ही हनी इसमें ऐड कर दीजिएगा। देन गाइस आप हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। गाइस मैं यहाँ रॉ मिल्क ऐड की है तो आप लोग भी प्लीज रॉ मिल्क ही ऐड कीजिएगा। देन गाइस आप हम इन सारे चीजों को मतलब अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। सो गाइस देखिए मैं इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर ली है एंड देखिए कितना एकदम सॉफ्ट स्मूथ सा फेस पैक बन के रेडी हुई है। तो चलिए आप हम बात कर लेते हैं इस फेस पैक को यूज करने से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा उसके बारे में। सो गाइस इसमें जो बॉइल्ड राइस है, बॉइल्ड राइस में बहुत सारा विटामिन मिनरल्स एंड एमिनो एसिड है जो कि हेल्दी स्किन को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज्यादा यू नो फायदेमंद है। एंड गाइस इसमें जो रॉ मिल्क है, रॉ मिल्क में है लैक्टिक एसिड जो कि आपके फेस को यू नो एकदम इंस्टेंटली लाइटन करेगा, ब्राइट बनाएगा। एंड गाइस इसमें जो हनी है, हनी स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। हनी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है जो कि आपके फेस से पिंपल सिकने को रिड्यूस करेगा। साथ ही उसकी जो जिद्दी जिद्दी मार के उसको भी ये रिमूव कर देगा। साथ ही आपकी स्किन को एकदम मॉइस्चराइज करके सॉफ्ट स्मूथ बनाएगा। साथ ही आपके डैमेज स्किन को एकदम रिपेयर कर देगा। ये आपकी स्किन से फाइन लाइन को रिमूव करेगा। अगर आपके फेस पर सनबर्न सनटैन आ गई है तो उसको भी अच्छे तरीके से मतलब रिमूव कर देगा। ये आपकी स्किन को एकदम सॉफ्ट स्मूथ बनाएगा। सो गाइस चलिए आप हम इस फेस पैक को अच्छे तरीके से अपनी फेस पर अप्लाई कर लेते हैं। गाइस इस फेस पैक को आप अच्छे तरीके से अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लीजिएगा एंड अप्लाई करने के बाद आप इसको 10-15 मिनट के लिए वैसे ही छोड़ दीजिएगा। मेरा मतलब जब तक ड्राई ना हो जाए तब तक के लिए छोड़ दीजिएगा। एंड गाइस ड्राई होने के बाद आप अपने फेस को प्लेन वाटर के साथ अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिएगा। सो गाइस देखिए मैं अपनी फेस को अच्छी तरीके से वॉश कर ली है एंड आप लोग देख सकते हो लाइक वन एप्लीकेशन में ही मेरी फेस पर जो भी डार्क स्पॉट था वो काफी हद तक लाइटन हो गई है। साथ ही मेरी फेस मतलब वन एप्लीकेशन में ही बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रहा है, एकदम चमक रहा है। सो गाइस अगर आपको भी इंस्टेंटली ग्लोइंग स्किन, ब्राइट स्किन, रेडियंट स्किन चाहिए तो आप ऐसे में इस पैक का इस्तेमाल कर सकते हो। एंड गाइस अगर आपके फेस पर सनबर्न सनटैन या डार्क स्पॉट है, पिंपल्स एक्ने का मार्क है, पिंपल्स एक्ने है या आपकी जो फेस है बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गई है तो ऐसे में आप इस पैक का इस्तेमाल कर सकते हो। गाइस ये जो पैक है ये तो आपको इंस्टेंटली रिजल्ट दे ही देगा, लेकिन गाइस अगर आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए यूज करना चाहते हो तो आप इस रेमेडी को हफ्ते में 2 बार करके जरूर यूज कीजिए। आप खुद देख पाओगे आपकी जो स्किन है वो पहले से ज्यादा मतलब चमक रहा है, धीरे धीरे आपके फेस पर एक नेचुरल सा ग्लो आ गई है, आपकी फेस की जो भी प्रॉब्लम था यू नो वो सारे प्रॉब्लम ठीक हो गई है। तो गाइस इसी के साथ आज के वीडियो बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट प्लस गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नई हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं की हो तो यार प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड दूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।